चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 दे दीजिए प्लीज. सुनो ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट है, जहां पे अपना वो जेड कर्व वगैरह आएगा जो पिछले क्वेश्चन के अंदर था. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17. नाउ यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको दिया जाएगा इन द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सर्च इट इन अ प्रॉपर वे. पढ़िए, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज 110 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹70. द बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड आर 163,500. Estimated sales for the period are 5,000 and it is assumed that probability distribution for the estimated sales quantity is normal with standard deviation of 125. So standard deviation directly de diya hai. The selling price, variable cost and total fixed cost are assumed to be certain. Matlab constant, wo apna assumptions hai mere khyal se. What is the probability of profits being greater than 40,000? What is the probability of profits being between 30 to 40 and what is the probability of profit being lesser than 30,000? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. तो आपको 40,000 का एक नंबर है, उसके लिए आपको यूनिट्स तो निकालना पड़ेगा. तो पहले यूनिट्स निकाल लेते हैं. लिखिए जरा प्लीज, इल आंसर दो पार्ट, दो थ्री पार्ट्स वन बाय वन. तो लिखो, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट एड क्वेश्चन के ना फिक्स कॉस्ट जरा देखो 163,500 डिवाइडेड बाय, मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ 40 है ना, 110 माइनस 70 दैट्स 40, 2,03,500 divided by 40, 5,087.5. अच्छा देखो, अभी डायरेक्टली मैं जेड कर्व ही बनाने वाला हूँ. मेरे को दो चीज़ें ज़रा बताओ ना, आपको एक्स चाहिए, एक्स बार चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीशन. स्टैंडर्ड डिवीशन कितना है मेरे को एक्स बार तो बताओ. 5,000 क्वेश्चन के नेट डायरेक्टली दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द पीरियड आर 5,000 मीन्स 5,000 ऑन एन एवरेज ओनली यार. ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए जरा प्लीज, जेड वन इज इक्वल टू 5,087.5 माइनस 5,000 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 125. तो x बार 5,000, z वैल्यू इज इक्वल टू 0. आपको जो वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 5,087.5. अच्छा मेरे को जरा बोलो, तुमको इस पॉइंट का राइट हैंड साइड चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड. चलो इन एनी केस नाउ यू बिकम गुड इन सच क्वेश्चंस. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे जेड वन का वैल्यू आप लोगों ने 0.7 निकाल लिया है. तो 0.7 का बेटा उधर प्रोबेबिलिटी जो है कितना है 0.2580. एक मिनट, 0.250 इज नॉट योर आंसर. नो, आंसर विल बी 0.5 माइनस 0.2580.
कितना आता बेटा 0.2420। चलो मेनली इसी की वजह से सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स बीइंग बिटवीन 30,000 to 40,000। तो अभी ना यहां पे दो चीजें हैं, बी केयरफुल। तो क्या करते हैं सुनो, एक पहले कर्व बनाओ, एक्स बार इज इक्वल टू 5,000, जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे लिखना नंबर ऑफ यूनिट्स एट प्रॉफिट ऑफ। तो सबसे पहले 30,000 प्लस 163,500 अपॉन 40, 193,500 डिवाइड बाय 40, 4837.5 मिनट्स। और 40,000 के लिए तो आप लोग निकाल चुके हो पहले ही 5087.5 मिनट्स। अच्छा सुनो, अभी ये दो चीजें ऊपर कर्व के ऊपर प्लॉट कर रहा हूं। देखो एक बेटा 5,000 से ज्यादा है, एक 5,000 से कम है। ओके तो एक काम जरा करो, यहां पर ये कर देंगे, यहां पर ऐसे कुछ कर देंगे, इसको ना एक्स वन बोल देते हैं, इसको एक्स टू बोल देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो अपने को। 5087.5 और ये 4837.5। अच्छा कैन वी से यू वांट दिस एरिया, नो तुमको ये वाला चीज चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, एक काम ऑलरेडी कर चुका हूं उसके लिए क्यों मेहनत करूं। ऐसे ये वाला जो एरिया है बेटा पिछली बार देखा ही था ना 0.7 के अगेंस्ट, ये वाला एरिया कितना था 0.2580। अच्छा अभी जो तुमको चाहिए दैट इज बेसिकली यू वांट दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ। तो एक काम कर लेता हूं, यहां पर जो वैल्यू आएगा ना उसको Z1 बोल देते हैं, और Z1 तुम्हारे पास था ना पहले 0.7। ये वाला जो वैल्यू है इसको Z2 बोल देते हैं, जो हम लोग निकाल लेते हैं अभी अभी। लिखो Z2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी ये मेरे साथ ही करो अच्छा रहेगा, 4837.5 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू माइनस 1.3। देखो तुम्हारे लिए इट इज द सेम टेबल दैट यू आर रेफरिंग यार, 24.1 पे आ जाओ, वो टेबल तो सिमेट्रिकल होता है। सो 1.3 जरा देखिए, एक मिनट, माइनस ओनली टेल्स यू यू हैव टू लुक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द ओनली थिंग अगेन दैट पर्टिकुलर कर्व। तो 1.3 के अगेंस्ट बेटा जी वैल्यू कितना है 0.4032। एक मिनट, उस टेबल का हेडिंग तुम लोगों ने क्या लिखा था, ईदर दैट गिव्स यू द वैल्यू फ्रॉम 0 टू जेड और दैट गिव्स यू द वैल्यू फ्रॉम, बोलो 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 बोलो, 0 टू माइनस जेड। तो यही वाला जो एरिया है बेटा वो कितना है 0.4032, इधर लिख लेना 0.4032। तो अपना फाइनल आंसर अभी लिख लो,
प्लस 0.2580 6612। थर्ड वाले के लिए ना शायद आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो बना लो एक बार, शायद कुछ कैलकुलेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 30,000 का वैल्यू के हिसाब से Z का वैल्यू तो बेटा पड़ा हुआ है अपने पास 4837.5। आपको प्रॉफिट्स लोअर देन 30,000 चाहिए, सो देयरफॉर यू वांट दिस पर्टिकुलर एरिया। Probability is equal to, मैं एक बार बस बोल दो what, तो आंसर कैसे आएगा 0.5 माइनस 0.4032। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल डन, सो 16 एंड 17 वाज एक्चुअली पैक ऑफ द क्वेश्चंस। सो आई विल स्टिल रिकमेंड, अगर क्वेश्चन नंबर 15 जैसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आया और अगर आपके पास जेड कर्व एग्जामिनेशन के अंदर उन लोगों ने दिया, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 लाइक क्वेश्चन नंबर 16 ओनली, ओके, अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि क्या है, अ वेरिएबल लाइक डिमांड कैन अज्यूम एनी वैल्यू, और क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कुछ अगर अजीब क्वेश्चन आया जहां पे यूनिट्स विल नॉट मैच विद दैट, फिर आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ओके। सो एट फाइनल सीएल लेवल, इवन इफ इट इज नॉट गिवन दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मल, ओके, बट यू ट्रीट इट एज नॉर्मल एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। वो तुम्हारा काम होगा, ट्राई टू थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग, डोंट गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एज सच, ओके। तो एक काम जरा वो बस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15 जिधर टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, लिख लेना IPCC आंसर, बस उतना वो लिख लो, सो यू विल योर सेल्फ नॉट रीड ओनली। और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर CA फाइनल आंसर, चलो क्वेश्चन नंबर 18 ली वन साइड, क्वेश्चन नंबर 19 ले आइए प्लीज। अच्छा सुनो, कल ना बीच में हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक दो चीजें वो बोल दिया था, एक्सपेंसेस माइट नॉट बी फिक्स्ड, माइट नॉट बी वेरिएबल, दे कैन अज्यूम एनी वैल्यू यार, मतलब इट कुड बी सम अजीब कॉस्ट ऑल्सो विच माइट नॉट बी वेरिएबल विच माइट नॉट बी फिक्स्ड। So I thought I'll make one question made by me only, जहाँ पे every type of cost that can be coming, I've tried to put over there, more or less. Question number 19, पढ़िए। Falling is the data at 6,000 units and 8,000 units. Okay. Find cost at 9,230 units. Okay. तो आपके पास 6,000 का cost पड़ा हुआ है, 8,000 का पड़ा हुआ है, आपको cost sheet बनाने का at what level? 9,230.
एक्सपेंस नंबर वन 10 पर यूनिट, एक्सपेंस नंबर टू 15 पर यूनिट, एक्सपेंस नंबर थ्री 12,000, 16,000, एक्सपेंस नंबर फोर 1 लाख, 1 लाख, एक्सपेंस नंबर फाइव 8 पर यूनिट, 6 पर यूनिट, एक्सपेंस नंबर सिक्स 16,000, 20,000, एक्सपेंस नंबर सेवन 11 1/3 10.5, एक्सपेंस नंबर एट पैकिंग कॉस्ट 12,000, 16,000, 50 यूनिट्स इन वन बिग कार्टन कॉस्टिंग रुपीज 100 पर कार्टन। चलो ठीक है, तो 8 के अगेंस्ट कुछ एक स्पेशल चीज है, वो आप लोग पढ़ लेना। गिव द टाइटल, हेडिंग दो, कॉस्ट शीट एट नाइन टू थ्री जीरो यूनिट्स। चलो यहां पे लिख दो एक्सपेंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन एक्सपेंसेस हैं। एक मिनट का ओवर टाइम भी दे रहा हूं, 8 मिनट दे रहा हूं। मेरे को तुम लोग 7 आंसर लिख के दो। हर एक एक्सपेंस का दोनों फिगर्स देखना, कुछ सोचना, फिर कैलसी यूज करके शायद टेस्ट करने की जरूरत पड़े, मेरे को सारे आंसर्स बताओ। मेरे को इंडिविजुअल आंसर्स वो मालूम है, मेरे को शायद टोटल वगैरह ना मालूम हो। अच्छा 8 एक्सपेंसेस है, मैंने 7 लिखे, फिर भी मैं तुमको 8 मिनट ही दूंगा, दैट्स ओके।
There will not be use of any phones inside this class, boss. इंडिविजुअल मालूम है मेरे को इकट्ठा नहीं मालूम एक ही करके बोलते मैं बोलता हूँ सर वेरिएबल 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 फिक्स्ड फिक्स्ड पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल और लास्ट वाला ओबे द इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअल मालूम है टोटल नहीं मालूम है अभी तक फर्स्ट फाइव शुड हैव बीन लाइक दिस वेरिएबल 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 फिक्स्ड एंड फिक्स्ड अभी तक पहले पांच तुम्हारे ऐसे आने चाहिए थे वेरिएबल 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 फिक्स्ड एंड फिक्स्ड मतलब उसके हिसाब से अमाउंट आएगा फाइव थ्री टू जीरो वन जीरो जिसका आंसर आ गया जीरो वन जीरो ना फाइव थ्री टू जीरो वन जीरो चलिए टाइम खत्म स्टार्ट करते हैं सुनो एक्सपेंस नंबर वन अगर कोई भी एक्सपेंस पर यूनिट सेम रहेगा तो वो वेरिएबल हो जाएगा तो टेन पर यूनिट टेन पर यूनिट ऑब्वियसली 9230 इंटू टेन पर यूनिट डन 9230 इंटू 15 पर यूनिट थर्ड वो जो एक्सपेंस है उधर अलग अलग है लेकिन अलग अलग है तो भी वेरिएबल तो हो सकता है तो टेस्ट कर लेने का 12,000 अपॉन 6,000 कम्स टू 2 16,000 अपॉन 8,000 कम्स टू 2 तो पर यूनिट सेम है मतलब वो वेरिएबल एक्सपेंस है इनटू 2 खत्म आगे फोर्थ 1 लाख 1 लाख अभी जितना भी यूनिट्स बनाओगे 1 लाख 8 पर यूनिट 6 पर यूनिट दो नंबर्स अलग अलग हैं मतलब पर यूनिट तो वो नहीं है मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो वो नहीं है फिर मैं सोच लेता हूँ क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट है
वो फिक्स्ड कॉस्ट अगर होता तो वो एब्जॉर्प्शन रेट हो जाता। अगर वो एब्जॉर्प्शन रेट है तो 8 रुपये का रेट कितने यूनिट्स के हिसाब से निकाला गया है, 6,000। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 48। बाजू वाला भी चेक करो, 6 पर यूनिट कितने यूनिट्स के हिसाब से था, 8,000। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 48। तो भाई अभी तो जितना मर्जी यूनिट्स बना, ये तो 48,000 का ही खर्चा होगा। तो लिख सकते हो 6,000 इंटू 8 और 8,000 इंटू 6। आगे लेकिन जो एक्सपेंस नंबर 6 की कहानी है, ऑब्वियसली वो एक्सपेंस फिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 16,000 और 20,000 आर टू डिफरेंट फिगर्स, सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। बट इज इट वेरिएबल कॉस्ट? अगर वेरिएबल कॉस्ट होता तो 16,000 अपॉन 6,000, ज़रा कैलकुलेट लीजिए एक बार, 16,000 अपॉन 6,000, दिस वुड हैव एग्जैक्टली मैच्ड विद 20,000 upon 8,000. Does it exactly match? No. So therefore, it's not a variable cost also. So therefore, some part is fixed, some part is variable. So let's try to break up the expense. यहाँ पे I'm writing 1. Write down 1. तो अब you all have reached CA final, तो इतना तो मैं directly बोल सकता हूँ, जितना फिक्स्ड कॉस्ट 16,000 के अंदर है उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 के अंदर भी है। सब्ट्रैक करूंगा, फिक्स विल गेट कैंसिल, जो भी बच जाएगा दैट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे लिख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। This will be coming to 2 per unit. किसी भी डेटा के ना सब्स्टिट्यूट कर लो बॉस, फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। 20,000 वाले के ना कर लेता हूँ, 20,000 minus 8,000 इंटू 2, तो 16,000 रुपीस का तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया आउट ऑफ 20, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितने रुपीस का हो जाएगा, 4,000। सो नाउ यू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सो 4,000 रुपीस तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, प्लस हर यूनिट के लिए कितना रुपीस और लग जाएगा, 2 रुपीस। Find out this. Second, working note 2 now, listen. Now, that expense over there, expense number 7. It's 11, 1, 3rd and 10.5. Chalo, ek cheez to meko bol do. That expense cannot be variable. Meko bolo, why not variable? पर यूनिट अलग है तो देख लेते हैं क्या वो फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड होता तो लमसम सेम रहता। तो कैलसी पर 11 1/3 मतलब 11.333333 इंटू 6,000 दैट कम्स टू समथिंग 68,000 एंड 10.5 इंटू 8,000 दैट विल बी कमिंग टू 84,000। नाउ लमसम इज ऑल्सो नॉट सेम, सो अगेन इज द सेम ओल्ड केस, ओनली सम पार्ट मस्ट बी फिक्स, सम पार्ट मस्ट बी वेरिएबल। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन सब लोग ऐसे करना, अभी लिखो टोटल एक्सपेंस एट 6,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 11.33 68,000 टोटल एक्सपेंस at 8,000 is equal to 8,000 into 10.5 is equal to 84,000. Now I'm doing the same thing jo working note 1 ke andar kiya tha. I've got my two numbers which I was interested, that is these two. So abhi wahi karte hain jo pehle kiya. So total variable overheads, सॉरी टोटल वर्ड मत यूज करना, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट इज इक्वल टू 84,000 माइनस 68,000 डिवाइडेड बाय
8,000 माइनस 6,000, 16 अपॉन 2 ना 8 पर यूनिट आ जाएगा. फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू किसी भी डेटा के ना सब्स्टिट्यूट कर दो 68,000 माइनस 6,000 into 8, 4,000 ही आ जाए, नहीं ये 48, सो 20,000 आ जाएगा. सुनो, जॉब डन आई गेस. सो इन दिस केस यहां पर 20,000 रुपीज प्लस 9,230 इंटू 8 रुपीज, सुनो. सो योर 8 एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, 8 अभी तक बाकी है. वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, फिक्स्ड फिक्स्ड, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल. लास्ट वाला ओबे द इंस्ट्रक्शन, हम किन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं, पढ़ो. एक्सपेंस नंबर 8, पैकिंग कॉस्ट 50 यूनिट्स इन वन बिग कार्टन कॉस्टिंग 100 पर कार्टन, सो 12,000 16,000. ओके, नाउ डोंट से इट इज अ वेरिएबल और पार्टली फिक्स्ड पार्टली, समथिंग इज गिवन, ओबे द इंस्ट्रक्शंस बॉस. सो फॉर एवरी 50 यूनिट्स देर इज वन कार्टन, सो 9,230 अपॉन 50. That will be coming to 184.6. Even if it was 184.1 also, aage kuch bolo, you will be requiring 185 cartons. So therefore, 185 cartons costing rupees 100. 18,500. Roll kitna tha beta? 532,010. सुनो, इजियर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ प्लीज. स्टर्लिंग एंटरप्राइजेस हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बजट, ड्राफ्ट मतलब रफ होता है, फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज. Quantity 10,000 units, selling price 30, variable cost per unit, direct material that's 8, labor that's 6, variable overheads 2 hours at the rate of 0.5, that's 1. Meri taraf dekho, variable overheads kuch agar nahi bola to, it'll be some expense like electricity, jo lagta hai jab worker kaam karta hai. तो ये जो आर्स होगा वेरिएबल ओवरहेड्स का, दिस मस्ट हैव बीन बोरोड फ्रॉम लेबर ओनली. तो वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर ही लेबर है, आप लोग उसके आगे वहां पे वो लिख लो, टू आर्स एट द रेट ऑफ, डायरेक्ट लेबर के आगे लिखो टू आर्स एट द रेट ऑफ. बैलेंसिंग फिगर बेटा कितना हो जाएगा, 3 रुपीज, क्योंकि आउटसाइड फिगर इज 6, तो लिख लेना टू आर्स एट द रेट ऑफ 3 पर आर. सो ऑब्वियसली वेज रेट इज 3 रुपीज and variable overheads ka rate is 0.5 per hour, but hours will be common, electricity tab lagta hai jab worker kaam karta hai. Again, contribution per unit that's 15, budgeted contribution 1,50,000, budgeted fixed cost 1,40,000, budgeted profit 10,000. To un logon ne almost yaar tumko income statement bana kar hi to wo de diya hai mere khayal se. Again, the board of directors is dissatisfied with this budget and asks the working party
टू कम अप विद ऑल्टरनेट बजट विद हायर प्रॉफिट फिगर्स. ओके, द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट्स बैक विद द फॉलोइंग सजेशंस दैट विल लीड टू अ बजटेड प्रॉफिट ऑफ 25,000. ओके, द कंपनी शुड स्पेंड 28,500 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेट द सेल्स प्राइस अप टू ₹32 पर यूनिट. इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स वॉल्यूम विल ऑल्सो राइज इन स्पाइट ऑफ प्राइस राइज टू 12,000. ठीक है. In order to achieve extra production capacity, however, the workforce must be able to reduce time taken to make each unit of the product. It is proposed to offer pay and productivity deal in which wage rate per hour will be increased to 4. Meko bolo pehle wage rate kitna tha? 3 per hour, will become 4 now. The hourly rate for variable or else will be unaffected, ascertain the target labor time required to achieve the target profit. Okay. तो वो लोग सब कुछ चेंज कर रहा है और वो लोग आर्स भी चेंज कर रहा है. वो लोग आर्स को कम करने वाला है. तुम्हारा काम बस इतना ही है, नया वाला आर्स निकाल दो. आई टेल यू इजियर वे. जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर्स हैं, दोज आर द ओल्ड फिगर्स. बाजू में सारा का सारा न्यू फिगर्स वो लिखते रहो. फाइंड आउट आर्स एज अ बैलेंसिंग फिगर. दैट इज द ओनली थिंग टू बी डन. जस्ट बिफोर यू स्टार्ट आई हैव वन स्मॉल क्वेश्चन. यू आंसर मी दैट एंड देन यू ऑल स्टार्ट. सम के ना किधर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है. देखो 28,500 वैसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट ओनली. ये 28,500 फिक्स्ड कॉस्ट होगा कि वेरिएबल कॉस्ट होगा? मेरे को बोलो कैसे मालूम. जो भी आंसर वो बोल रहे हो, फिक्स्ड या वेरिएबल, मेरे को बोलो कैसे पता चल गया तुमको? वो तो बताना पड़ेगा तुमको. सुनो, डीएम एंड डीएल आर पर यूनिट कॉस्ट बाय डिफॉल्ट. ओके, क्योंकि दोज आर कॉल्ड ओनली एज डायरेक्ट कॉस्ट. बाकी एक्सपेंस नाम सुन के कभी नहीं पता चलेगा इट इज फिक्स्ड या वेरिएबल. वन एक्सपेंस फॉर यू कैन बी फिक्स्ड, फॉर मी इट कैन बी वेरिएबल. एग्जांपल, इफ आई स्टार्ट टू टेक ऑल द होर्डिंग्स, ओके, एंड पुट माई फोटो, ज्वाइन आर क्लास, ओके, इन दैट केस दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. बच्चा आए ना आए, अपना पैसा तो डूब गया, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. One example of advertisement being fixed. Second, I start to give you all scales. Okay, whenever you join this class, I give you scale with printed our name. That is advertisement cost only. Okay, that is kind of a variable cost. So, इसलिए advertisement cost fixed भी हो सकता है, variable. तो नाम सुन के नहीं पता चलता. Yes, do remember, DM and DL cost are per unit. Any other cost, if given per unit, is variable. If given in lump sum is fixed. That is one thing you always obey. अभी तुमको जिंदगी में डाउट नहीं आएगा. मेरे को बोलो 28,500 is fixed cost की variable cost? Fixed cost. कैसे पता चल गया? It is given in lump sum. मैं तुमको 4 मिनट दे रहा हूँ. That is enough for this question. क्योंकि this question was originally only for 2 marks. तो 4 मिनट वो दे रहा हूँ. तुम लोग मेरे को आंसर निकाल के दो. नया वाला लेबर आर्स निकाल के दो. कीप ऑन राइटिंग द न्यू फिगर्स. आर्स विल ऑटोमेटिकली कम आउट एज अ बैलेंसिंग फिगर.
चलिए स्टार्ट करेंगे. देखिए जस्ट यू हैड टू बी मेक द मेकिंग द थिंग्स टू गेट आर्स एज अ बैलेंसिंग फिगर. तो लिखिए जरा प्लीज कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस्ड आर्स पर यूनिट. सो प्रॉफिट दिया हुआ है अपने पास, प्रॉफिट से स्टार्ट कर लेते हैं. प्रॉफिट अपने को अभी प्रॉफिट 25,000 का चाहिए एंड फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट पहले 1,40,000 का था, 28,500, 168,500 कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेगा डिवाइडेड बाय अभी नंबर ऑफ यूनिट्स 12,000. दैट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली सेलिंग प्राइस माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस वो सेलिंग प्राइस. वो ठीक है वो लिखने के लिए, बिकॉज जरा बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस सेलिंग प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, बेटा क्या मिल जाता है? वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो. अच्छा इस वेरिएबल कॉस्ट का तीन पार्ट होना चाहिए. तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपीस का लग जाता है? 8. दैट विल बी डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स विल गिव यू दिस पर्टिकुलर फिगर. अच्छा This comes to 7 point. How much does it come to? 875. Divided by, listen. Now, this figure must be sum common hours at the combined rate of 4 plus 0.5. So, therefore, divide by direct labor plus variable overheads per hour. That's 4.5. So these are hours per unit. एक बार ना यहाँ पे दिखा देना प्लीज. दिस इज 4 + 0.5. याद रखना आर्स ऑफ लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी सेम ओनली. तो सिर्फ एक टाइप ऑफ आर्स नहीं बदलेगा, वो दोनों बदलेगा, वो कॉमन आर्स ही होता है. चल सुनो एक क्वेश्चन करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए प्लीज. क्या बेटा? चलिए सुने 21 नाइस क्वेश्चन. यहाँ पे एक दो चीजें विल हैव टू थिंक बिफोर यू स्टार्ट टू डू दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए प्लीज.
पढ़ी. परफेक्ट पिस्टन्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस 60,000 पिस्टन्स फॉर इट्स पेरेंट कंपनी परफेक्ट मोटर्स लिमिटेड. पिस्टन्स आर सोल्ड टू परफेक्ट मोटर्स एट 200 पर यूनिट. द वेरिएबल कॉस्ट पर पिस्टन इज 180. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ परफेक्ट पिस्टन्स इज 15 लाख्स एंड इज करंटली ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी. तुम लोग ये फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो. देखो तुमको 3 लाख रुपीज का लॉस दिखाई दे रहा है. आराम से पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ. देखो 3 लाख रुपीज का लॉस दिखना चाहिए. थ्री लाख रुपीज का लॉस दिखाई दे रहा है. 200 माइनस 180 कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20 × 60,000 दैट इज 12 लाख्स लेस फिक्स कॉस्ट 15 लाख्स 3 लाख रुपीज का लॉस. अच्छा वन मोर थिंग. करंटली यू आर प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स 60,000 दैट इज एट वॉट लेवल 60% सो देयरफॉर माई लेवल माई मैक्स कैपेसिटी मस्ट बी कितना परसेंट सॉरी मस्ट बी कितना यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स बिकॉज 60,000 60% फर्दर. The company desires to respond to an export inquiry for 30,000 pistons of the type it is currently manufacturing. तो कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर वो आया है फॉर 30,000 पिस्टन. मेरे को वैसे जरा बोलो क्या 30,000 का कैपेसिटी अपने पास है और अपने पास तो 40,000 का है तो 30,000 तो चलो बना ही सकते हैं. The company's aim is to improve capacity utilization as to avoid loss. इसलिए मैंने तुम लोगों से लॉस पहले कंप्यूट करवाया. आगे You have to take note of the following benefits that will accrue to the export transaction while determining FOB price to be quoted. FOB matlab? Free on board. Brilliant. So free on board matlab? Free on board matlab? मैं ये पेन बनाता है, मैं एक्सपोर्टर है. किसने यूएसए से मेरे को पूछा ये वाला पेन तू कितने का देगा. मैं बोलता है $10 FOB. उसका मतलब मेरा काम क्या है. आई विल मैन्युफैक्चर दिस पेन इन इंडिया ड्रॉप दैट ऑन इंडियन डॉक्स. आगे जो भी खर्चा वो तेरा खर्चा. शिपिंग चार्जेस हुआ इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी एवरीथिंग इज योर लुकआउट. माई जॉब इज टू मेक दिस पेन इन इंडिया एंड ड्रॉप दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन इंडियन डॉक्स. रेस्ट ऑफ द कॉस्ट इज योर लुकआउट. ओके एंड फॉर दैट माई सेलिंग प्राइस विल बी कितना रुपीज यार 10. दैट सेलिंग प्राइस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एफ ओ बी. शायद जब भी छोटे थे तभी दो टाइप ऑफ टर्म्स वो क्या रहेगा. एक एफ ओ बी होता है एक सी आई एफ होता है. सी आई एफ होता है कॉस्ट दैट इंक्लूड्स इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑल्सो. ओके आगे जरा पढ़ो. You will have to take note of the following benefits that will accrue to the export transaction while determining FOB price to be quoted. First, export incentive by way of cash assistance at the rate of 10% of FOB value of exports. So, ab jitna bhi FOB value matlab sales value, right? FOB is a selling price. So, jitna bhi export karoge, utne ka sales value ka 10% is your incentive. That is first benefit. Second, padho. Reimbursement of excise on manufacturing inputs by way of 5% drawback of duty on FOB value of exports. So this is another benefit to the extent of 5% of FOB value. This question I'm only doing for part third. Dhyan se padhna. Entitlement of import license to the extent of 10% of FOB value of exports. Theek hai? The import license can either be sold at a premium of 100% or it can be utilized to import certain critical auto components that will yield 30% profit on cost. I'll come back to this part. Recommend the bare minimum price that the company should quote in order to break even. Assuming this part A and B have come because of part third. It sells import license in the market. It imports components against the license and sells them for profit. Okay. तो स्टार्ट हो जाते हैं. सुनो उन लोगों ने ना जो बोल्ड वाला लाइन है रेकमेंड द बेयर मिनिमम प्राइस एट द कंपनी शुड कोट इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन. ब्रेक इवन मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस. बट कंपनी इज करंटली अर्निंग अ लॉस ऑफ सो ऑन दिस ट्रांजैक्शन कंपनी विल हैव टू बी अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 3 लाख्स नाउ. ओके पहले ना 3 लाख्स का कैलकुलेशन दिखा दो. जस्ट गिव द हेडिंग प्लीज इन योर नोटबुक्स करंट लॉस.
Keep the heading current loss. On the next line, SP, selling price. On right hand side, 200. Next line, variable cost. $180. Contribution per unit, 20. Into number of units, 60,000. Total contribution, 12 lakhs. Less fixed cost, 15 lakhs. Loss, 3 lakhs. I'm not solving, but I'm doing the biggest work in this question. Okay, now you're not writing anything. Suno meri baat. Aapko selling price chahiye. Selling price means FOB price, yaar. So, let FOB price, that is selling price, is equal to X. Meko bolo, under the export transaction, how many units will further sell now? 30,000. So sales will be nothing but 30,000x. Sales is equal to cost plus profit. Profit apne ko kitna chahiye boss? 3 lakhs. Kyunki currently 3 lakhs ka loss hai taki wo square off ho jaye aur break even ho jaye. Lekin aapka cost thoda bahut kam ho jayega kyunki aapko 3 benefits aayenge. First benefit, there is nothing for me to say. That you all can do. Second benefit, nothing for me to say. Third benefit, many things for me to say. Part third, zara padho. Entitlement of import license to the extent of 10% of FOB value of exports. Abhi na, mere ko nahi malum ki reality ke andar, customs wagera ke andar kya hota hai. And neither you have to be aware of those things to be solving costing paper. ICA had interpreted. Entitlement word means आपको license खरीदना पड़ेगा. कोई बोलता है sir फिर वो entitlement वो कैसे हुआ? शायद other people are not even entitled to it. You are entitled to buy it. Okay. कोई बोलता है sir if I'll buy it then what is my benefit? There is no. आगे जरा देखो क्या लिखा है. The import license can either be क्या लिखा है बेटा पढ़. Sold at a premium of 100%. That is one option. Or it can be utilized to import certain critical components. That will yield a profit of 30% on cost. तो जब आप part third वाला चीज कर रहे हो, पहले आप ऐसे सोचना, sir, I will buy a license and my cost will be equal to 10% of FOB value of exports. FOB value of exports मतलब this is FOB value of exports. तो पहले आप license खरीद लो. उसके साथ आप क्या करोगे? दो option, license को base दो at 100% profit. The difference will become your benefit first. Second option क्या है? आप वो वाला लाइसेंस किसी को दो, वो आपको गुड्स देगा, ऑब्वियसली फोकट के अंदर. ऑल्दो वो फोकट का वो नहीं है क्योंकि यू आर सरेंडरिंग योर लाइसेंस फॉर इट. ओके. एंड वंस यू गेट द गुड्स, दोज गुड्स यू सेल ऑब्वियसली एट क्या लिखा हुआ है सम के ना, 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. सो देयरफॉर द डिफरेंस विल बिकम योर बेनिफिट. ओके. सो अकॉर्डिंगली आपको पार्ट थर्ड के अंदर बेनिफिट दो बार लेना है, अज्यूमिंग लाइसेंस इज सोल्ड, अज्यूमिंग लाइसेंस इज यूज्ड. ओके. एंड अकॉर्डिंगली तुमको इक्वेशन दो बार बनाना है और तुमको दो बार मे को एक्स का आंसर ला कर देना है. ठीक है, मैं तुमको 14 मिनट्स दे रहा हूँ टू सॉल्व, दैट इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, रफ में जाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो. दिस इज योर मास्टर इक्वेशन, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट लेस बेनिफिट्स लेस प्रॉफिट. Try to think and revolve around this. Do bar equation banao, do bar answer nikalo.
तू बोल जो आगे वाला है, बोल नहीं दैट्स ऑल बोल यस कॉस्ट शुड बी कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस नो क्योंकि आप अपना लाइसेंस सरेंडर करके गुड्स ले रहे हो तो आपके लिए गुड्स का कॉस्ट विल बी नथिंग बट कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस नो जिन लोगों को नहीं आया चलो एक चीज़ टाइम है अभी तक मेरे को बोलो कॉस्ट के अंदर बेटा कौन सा कॉस्ट लेगा ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली क्योंकि फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 15 लाख था 12 लाख तो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं तो 3 लाख ही बाकी था वही 3 लाख के लिए तो इधर प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज़ वो लिख लिया तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा सो कॉस्ट विल ओनली मीन वेरिएबल कॉस्ट जिन लोगों का आंसर नहीं आया 3 मिनट हैं ट्राई करो आ जाना चाहिए इतना टफ कोई क्वेश्चन नहीं इट्स ऑल इन योर माइंड ओनली यू हैव टू ट्राई यू हैव टू लर्न सिचुएशन कैसा भी आएगा और लिख के ट्राई करने का बेटा क्वेश्चन देख देख के बुक तेरे को आंसर नहीं वो बोलने वाला आफ्टर गेटिंग इरिटेटेड
स्टार्ट करेंगे. सुन, आप लोग लिखो, राइट डाउन, लेट एफओबी प्राइस, राइट डाउन, लेट एफओबी प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस बीएक्स. Therefore, FOB value of exports is equal to 30,000x. आपको जो profit चाहिए, that is 3 lakhs, we know the reason for that. Next sign पे cost is equal to, obviously, अभी जो खर्चा होगा, सिर्फ variable cost का ही होगा. That'll be 30,000 units. You are incurring kitna rupees, boss? 180. 54 lakhs. Now, bach gaya sirf ek cheez, suno. This is sales. This is cost. This is profit. Lekin cost kam ho jayega kyunki benefits aayega. To yahan pe likhiye benefits. First benefit, I guess, is very simple. वहाँ पर लिख सकते हो cash assistance. It is 10% of 30,000x to 3,000x. Second, कोई duty drawback करके कुछ लिखा हुआ है. Five percent of 30,000x 1,500x. Achha. Third, I'm giving a common heading, benefit from either license or it can be goods also. First, if license is sold, pehla option to wohi hai, if license is sold, acha, ek minute ke liye wait karna, pehle aap license khareedoge, cost of the license is 10% of FOB value of export, so cost of the license is kitna x ya, 3000x. But then you will sell your license, so sale of license. You will be selling your license at 3000x plus 100%. So therefore that will become kitna? 6000x. The difference is going to be your benefit, 3000x. Abhi copy kar lo. आगे, if license is used, सुनो, If license is used, अभी फिर से जरा वेट करो एक मिनट. सबसे पहले आप लाइसेंस खरीदोगे, so that is 10% of 30,000x, so therefore 3,000x. लाइसेंस मेरे पास आ गया,
मैंने किसी को लाइसेंस सरेंडर किया, उस बंदे ने मेरे को गुड्स दे दिया. ऑब्वियसली फॉर मी कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस बिकॉज आई एम सरेंडरिंग माई लाइसेंस. दोज गुड्स यू सेल एट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. अब जरा लिखो, सेल ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 3000x वॉज माई कॉस्ट प्लस 30%, सो 3900x. सो आर बेनिफिट इज बेसिकली 900x. चलो, आर जॉब इज ऑल डन. मेक द फाइनल इक्वेशन. सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट लेस बेनिफिट एंड प्रॉफिट्स. तो इफ लाइसेंस इज सोल्ड, सो सेल्स मतलब एफ ओ बी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स दैट्स 30,000x, कॉस्ट दैट्स 54 लैक्स, बेनिफिट सुनो, दो बेनिफिट तो बेटा कॉमन ही है ना मेरे ख्याल से, एक 3000x एक 1500x, और तीसरा इफ लाइसेंस इज सोल्ड 3000x प्लस प्रॉफिट्स 3 लाख्स. शो योर आईपीसीसी स्किल्स, इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर लेके आओ. सेकेंड टाइम भी इक्वेशन बना लेना, आंसर ले आना. वहां पे अज्यूमिंग लाइसेंस इज यूज्ड. चलो, वंस यू हैव डन दिस यू टेक योर ब्रेक. ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं. फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स देयर इज ओनली वन ऑप्शन इन मुंबई, एजे एजुकेशन नेक्स्ट. जॉइन एजे, बिकम सीईओ. हाय स्टूडेंट्स, दिस इज अ वीडियो ऑफ हाउ टू सी द सॉल्यूशंस टू द होमवर्क सेक्शन.
आपकी करंट बुक के अंदर फाइनल आंसर होगा, हिंट्स होंगे, अजम्पशंस होंगे, फुल फ्लेज आंसर हमारी वेबसाइट के ऊपर है। तो ब्राउज़र के अंदर www.ajnext.com आप इस वेबसाइट को ओपन अप कीजिए। वहाँ पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। पहले राइट हैंड साइड पे लॉग इन का एक बटन है, आप उधर आइए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड यू कैन पुट। इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र आपको शायद बाकी डिटेल्स भी एंटर करना पड़ेगा। तो मैं एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, तो आई एम एंटरिंग द लॉग इन नेम एंड द पासवर्ड। उसके बाद आप कोर्सेज पे आइए। कोर्सेज के अंदर आके सारे के सारे लेवल्स आ जाएंगे। लेवल्स के अंदर सी ए फाइनल पे आइए। एक बार सी ए फाइनल पर आएंगे उसके बाद पेपर 5 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्टिंग न्यू, उसके अंदर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास सारे के सारे जो भी सॉल्यूशंस हैं ऑफ द होमवर्क सेक्शन वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए एक छोटा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ, देन वी ट्राई टू डू दैट। ओके सुन,
This is not question number 22, but then in any case, just trying to give you some example that this question can be solved. So, I was thinking to purchase, say, a car. Bahut research kiya to market ke andar I found ki I'm interested in one of these two cars. First, say that I'll buy Rolls Royce. Okay, first option, jo Amitabh Bachchan ke paas hai, I'll buy that car. Usse nahi, I'll buy a new one. Okay. Second, I thought I will buy, say, a Nano. Okay, some people say it is not a car, it is an auto only, but that's okay. Theek hai, chalo. So, one of these two cars I thought I'll buy. Abhi, I wanted to buy a car which is relatively cheaper for me to run and maintain. Okay. So, therefore, in this particular case, I thought, like, you know, let's try to find out the cost. Capital cost ke baare mein nahi baat karenge, sirf yahan pe jo cost hai, usi ke baare mein baat karenge. एक फिक्स्ड कॉस्ट जो होएगा पर एनम होगा, वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो पर किलोमीटर होगा. लास्ट बेन देर बी नो यूज ऑफ द फोन्स. आई गेस आई एम बीइंग वेरी क्लियर. ओके, यू आर अ किड, आई एम नॉट अ किड. ओके, ब्लैक शर्ट. ओके, यू आर अ किड, आई एम नॉट अ किड. ओके, सो कीप दैट स्मार्टनेस एट होम्स प्लीज. ओके, सुनो, इन दिस केस नो फिक्स्ड कॉस्ट. पता किया इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है, सपोज साल का 60 लाख रुपीज़ है. ओके, एक बार गैरेज वगैरह कहना जाएगा, 20-25 लाख रुपए का बिल आता है, तो इन एनी केस दो या तीन बार वो जाएगा साल में. ओके, इसका 10,000 रुपए का मेंटेनेंस कॉस्ट है पूरे साल का, रनिंग कॉस्ट. अभी इसका पेट्रोल का कार है. ओके, से दैट कॉस्ट विल बी अराउंड 30 पर किलोमीटर. ऑब्वियसली ऐसा कार खरीदते हुए कोई नहीं पूछता कि कितना देती है, वो मारुति के लिए लोग पूछते हैं. ओके, तो नैनो के अंदर एवरेज के अलावा कुछ आता भी नहीं है. सी दैट रुपीज 5 पर किलोमीटर. आई वॉन्टेड टू परचेज अ कार विच इज चीपर एवरी ईयर फॉर मी. ओके, मेरे को जरा बोलो, आउट ऑफ द टू कार्स, फॉरगेट अबाउट द नेम्स, विच कार इज बेटर फॉर मी. आई वॉन्टेड टू बाय अ कार विच विल बी ऑलवेज चीपर नो मैटर वट एवर हैपन्स, विच कार इज बेटर फॉर मी. नैनो. ऑब्वियसली इसका फिक्स कॉस्ट भी कम है, वेरिएबल कॉस्ट भी कम है. एक भी किलोमीटर नहीं चलाएगा, यहाँ पे कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000. जितना किलोमीटर्स कार चलता रहेगा, दिस विल कीप ऑन बिकमिंग मच चीपर देन दिस ईयर. ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर देर इज नथिंग टू बी डिसाइडिंग, दिस कार विल ऑलवेज बी चीपर देन दिस. अभी कोई और एग्जांपल, आई वांटेड टू बाय से अ कार. ओके, आई थॉट आई विल बाय से होंडा सिटी. आई थॉट लाइक दैट. शोरूम में गया, दो ऑप्शंस में आता था, से पेट्रोल एंड डीजल. पता किया यार फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना लगता है. पेट्रोल कार्स का मेंटेनेंस कॉस्ट इज स्लाइटली ऑन अ लोअर साइड, से 20,000 रुपीज. ओके, डीजल कार्स इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, से 30,000. पेट्रोल कार्स का एवरेज थोड़ा सा कम होता है, पेट्रोल इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज वेयर पेट्रोल इज मोर एक्सपेंसिव देन डीजल. से दैट इल कॉस्ट यू रुपीज 10 पर किलोमीटर, हेयर इल बी कॉस्टिंग यू से रुपीज 5 पर किलोमीटर, एज डीजल इज अ चीपर थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट द एवरेज इज स्लाइटली हायर. ओके, अभी आई वॉन्टेड टू बाय अ कार which is cheaper for me every year. मेरे को बोलो which car is better. Depends, obviously. अगर suppose मैं salesman को वो पूछेगा, यार मेरे को हर साल कौन सा car वो अच्छा पड़ेगा, वो पहले मेरे को एक question पूछेगा. मेरे को बोलो वो मेरे को क्या question पूछेगा, साहब आपका running कितना है. I try to tell him, मेरा running बहुत ज़्यादा है. I sleep in car, I study in car, I do everything in car only. Okay. मेरे को बोलो which option is a better option. डीजल, क्योंकि अगर आपका कार बहुत चलने वाला है, ऑब्वियसली व्हाट विल मैटर इज वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज लोअर. ओके, सो दिस थिंग इज बेटर. अगर सपोज कार का रनिंग बहुत कम है, तो ऑब्वियसली दैट गाय विल बी सेइंग पेट्रोल कार इज बेटर. जब वो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उसने दिमाग में कुछ ना कुछ तो कंप्यूट किया रहेगा. वो कुछ ना कुछ इज नथिंग बट इन डिफरेंस पॉइंट. लेट द नंबर ऑफ किलोमीटर्स एट विच टोटल कॉस्ट विल बी सेम, लेट इट बी एक्स. ओके, सो देयरफॉर अगर पेट्रोल कार x किलोमीटर्स चलाऊंगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो, 20,000 प्लस 10x. अगर डीजल कार x किलोमीटर्स चलाऊंगा, सो 30,000 प्लस 5x. इन एनी केस x विल बी इक्वल टू कितना किलोमीटर्स, 2,000 किलोमीटर्स. दिस 2,000 इज पॉपुलरली गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंडिफरेंस पॉइंट. ओके, इस चीज़ का मतलब अपने लिए क्या हो जाएगा. सेल्समैन ने मेरे को पूछा, साहब आपका रनिंग कितना है. मैं बोलता हूँ मेरा रनिंग ना बेटा साल का डॉट 2000 किलोमीटर है. मेरे गुरुजी ने बोला है जैसे ही 2000 किलोमीटर वो हो जाएगा, कार छोड़ के तो भाग जाना उधर से. ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस बिकॉज जरा बोलो विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मी. यू गो फॉर एनी ऑप्शन, इन एनी केस कॉस्ट विल बी सेम. ओके, मेरे को बोलो मेरा जो रनिंग है इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2000, विच ऑप्शन इज बेटर.
डीजल ओके लेस देन 2000 विच इज बेटर पेट्रोल सो अबव इंडिफरेंस पॉइंट दैट ऑप्शन इज बेटर वेयर एवर वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर बिलो दैट दैट ऑप्शन इज बेटर वेयर एवर फिक्स्ड कॉस्ट इज लोअर एग्जैक्टली एट दैट इन एनी केस विल बी अ इंडिफरेंस पॉइंट ओके लेकिन इतना जरा याद रखना इनडिफरेंस पॉइंट ऐसे केसेस के अंदर ही आएगा जिधर एक कॉस्ट कम है और दूसरी जगह पे दूसरा कॉस्ट कम है क्योंकि अगर ऐसा कभी नहीं होगा मतलब अगर एक ही जगह पे फिक्स कॉस्ट भी कम हो गया वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो गया और अगर ऐसा क्वेश्चन आया और अगर तुमको बोला इनडिफरेंस पॉइंट निकाल के दो तो सिंपल आंसर है देयर इज नो इनडिफरेंस पॉइंट बिकॉज नैनो विल ऑलवेज बी चीपर देन रोल्स रॉयस सबको समझ में आ गया दैट टाइम दैट इज ओनली द आंसर देयर इज नो इनडिफरेंस पॉइंट बस बात खत्म हो गई ठीक है एक और लास्ट चीज देखो इसी से ना तुम लोग को एक फॉर्मूला बनाकर वो दे देता हूँ जरा सोचो तुम्हारा जो x का 2000 का आंसर है ये तुम्हारा x का 2000 का आंसर बेटा वो कैसे आया 5x इज इक्वल टू 10,000 x इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 5 व्हाट इज 10,000 इट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट व्हाट इज 5 इट इज नथिंग बट सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओके सो देयरफॉर अगर कभी फ्यूचर के ना इनडिफरेंस पॉइंट तुमको एक्स वगैरह लेकर वो नहीं करना डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो इक्वेशन के थ्रू भी अल्टीमेटली वही वाला काम हो जाता है लास्ट थिंग बस पेट्रोल ऑप्शन आया डीजल आ गया चलो सीएनजी भी आ गया ठीक है इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे को अगर बोला जाता है इनडिफरेंस पॉइंट निकालो तो बेटा फिर मैं तीन इनडिफरेंस पॉइंट निकालूंगा एक इसके और इसके बीच में एक इसके और इसके बीच में लास्टली एक इसके और इसके बीच में बस इनडिफरेंस पॉइंट निकालने से पहले सोच लेना इनडिफरेंस पॉइंट तभी आता है जब एक केस के ना एक कॉस कम होगा दूसरे केस के ना दूसरा कॉस वरना इनडिफरेंस पॉइंट कभी आने नहीं वाला ठीक है टेक्स्ट बुक के अंदर एक बॉक्स है क्वेश्चन नंबर 22 के नीचे कॉस्ट इनडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू आगे लिखो लिखो एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आगे एक लाइन वो प्रिंटेड है वो याद रखना इट ओनली कम्स व्हेन अंडर वन ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर अंडर द अदर ऑप्शन फिक्स्ड कॉस्ट इज लोअर आगे इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू फर्स्ट इनडिफरेंस पॉइंट आगे लिख दो गो फॉर एनी ऑप्शन ग्रेटर देन इनडिफरेंस पॉइंट लिख के रखो गो फॉर ऑप्शन विद लोअर वीसी पर यूनिट थर्ड लेस देन इनडिफरेंस पॉइंट गो फॉर ऑप्शन विद लोअर एफसी चलो आईसी ने आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा है जहां पे उन लोगों ने ना तीन ऑप्शन दिए और बोला पहले तीन इनडिफरेंस पॉइंट निकालो वो इजी चीज़ है और उसके बाद फिर तीनों को जोड़ के कुछ एक कंक्लूजन बनाओ वो ब्रिलियंट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ तुम लोग पढ़ो एम कंपनी सेंट्रल सर्विसेज डिपार्टमेंट इज इवैल्यूएटिंग न्यू कॉपिंग मशीन टू रिप्लेस फर्म्स करंट कॉपियर विच इज वोन आउट द एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेट मशीन्स हैव बीन नैरो डाउन टू थ्री And the estimated cost of operating them is as shown below. Machine A, Machine B, Machine C. Cost per 100 copies. Material cost, labor cost. दोनों को ना circle में वो डाल लो 60 और 80. Total बाहर लिख लेना 140. So both of them are variable cost. Fixed cost आगे next time पे है. Annual lease cost 30,000. Same way B के लिए कर लो 70 आ जाएगा. C के लिए कर लो 40 आ जाएगा. Required. I'm reading part first and second for the timing. Part first, compute the indifference point for the three alternates. Second, what do cost indifference points suggest as a course of action in this regard? Chalo, theek hai. Part third, baad mein wo pad lenge. In fact, ek bar aapka part two solve ho jayega. Part three, maximum 10 second ka kaam hai. Let's do part first. Compute the cost indifference point for the three alternates. Pehle ek bar bas observe karke batao. Mujhe calci nahi chahiye tum logo se. मेरे को बोलो ए और बी के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट आएगा बस मेरे को ये बोल दो येस और नो और कुछ मत बोलना येस क्यों ए का वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है बी का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है मेरे को बोलो बी और सी के बीच में आएगा बोलो येस ए और सी के बीच में आएगा येस तो यहाँ पे तीन इनडिफरेंस पॉइंट आ सकते हैं लेट्स फाइंड आउट ऑल दोस पर्टिकुलर पॉइंट्स ओके लिखिए जरा प्लीज राइट डाउन
क्वेश्चन नंबर 22, indifference point is equal to extra fixed cost divided by savings in variable cost. आगे लिख देना per copy. यहाँ पर one unit is one copy. ये हम लोग पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं. तो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, तो एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट 58,000 माइनस 30,000 divided by savings in variable cost per copy. एक मिनट, वहाँ पे वो जो variable cost था ना बेटा, वो per 100 copies था. तो I guess हम लोग per copy ही काम करेंगे. So 140 is a cost for 100 copies. Per copy that'll become कितना, 1.4. सेवेंटी इज अ कॉस्ट पर 100 कॉपी. सो आई एम राइटिंग पर कॉपी का डेटा ओनली. ओके, सो 1.4 माइनस 0.7, सो 28,000 अपॉन 0.7, 40,000 कॉपीज. नेक्स्ट लाइन पे आगे लिख के रखना, इफ नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड is equal to 40,000. Obviously, which is better, either A or B, whatever. फोर्टी थाउजेंड से ज्यादा होगा. मेरे को बोलो विच वन ऑफ देम इज बेटर. बी, यहां पर आई हैव डन फर्स्ट थिंग बिटवीन ए एंड बी. यू प्लीज स्टार्ट पहले बिटवीन ए एंड सी करना, फिर उसके बाद बी एंड सी करना. जैसे ए और बी किया है, डिटो सेम ए और सी का काम करो, फिर बी और सी का काम करना.
चलो सुनो, अभी ना ये वाला काम तुम्हारा हो गया, यू हैव रिटन ऑल द कंक्लूजन्स आल्सो, अभी पार्ट टू पढ़ो। दिस क्वेश्चन आई हैव ओनली पुट एक्चुअली फॉर पार्ट टू, पढ़िए। व्हाट डू कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट सजेस्ट एज अ कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस रिगार्ड। अभी वो लोग क्या बोलता है, देखो तुम लोगों ने ये तो बता दिया ए और बी, तुम लोगों ने ये बता दिया ए और सी, तुम लोगों ने ये बता दिया बी एंड सी। अभी ना ओवरऑल एक कंक्लूजन बताओ तुम लोग, कुछ ऐसा जिसके लिए सब कुछ आ जाए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग एज सच इन दिस केस, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जहाँ पर बीच में किधर ना किधर 40,000 आ जाएगा, बीच में किधर ना किधर 70,000 आ जाएगा, बीच में किधर ना किधर 1,40,000 आ जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू हैव टू ट्राई टू टेल मी इज दैट अल्टीमेटली देर इज नॉट चॉइस ऑफ टू मशीन्स, अल्टीमेटली देर इज चॉइस ऑफ कितना मशीन्स, थ्री। आपको मेरे को 7 कंक्लूजन्स निकाल के देने हैं, 7 मतलब 1 से लेके 39,999, विच वन ऑफ देम इज बेस्ट, ए बी और सी। एग्जैक्टली एट 40,000 विच इज अ बेस्ट, अगर तुमको लगता है टू थिंग्स आर बेस्ट यू टेल मी दोज टू थिंग्स ऑल्सो। उसके बाद 40,000 वन से लेके 69,999 विच इज अ बेस्ट वन, एग्जैक्टली एट 70 विच इज अ बेस्ट वन, 70,000 वन टू 1,39,999 विच इज अ बेस्ट वन, 1,40,000 विच इज अ बेस्ट वन, अबव 1,40,000 विच इज अ बेस्ट वन। तो आपको मेरे को 7 आंसर इस लाइन के ऊपर लिख के देने, यू हैव टू ट्राई टू टेल मी 7 फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। बस एक छोटा सा चीज, I can actually solve this question without using my brains also. Okay, that I'll tell you in advance because I don't want you all to be doing it. आप लोग कोई भी इस रेंज के अंदर कोई भी एक नंबर ले लो एंड फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, वेर एवर कॉस्ट इज लीज दैट इज ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल तुम लोग ऐसा नहीं करोगे इसलिए आई एम टेलिंग यू ऑल इन एडवांस। ओके, सपोज कुछ भी एक नंबर से 20,000, ओके सो 20,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट प्लस इन दिस पर्टिकुलर केस फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बेटा ए के लिए कितना था 30,000, यहाँ पे जो था 58,000, यहाँ पर जो था दैट वाज 1,00,000। वेर एवर द कॉस्ट इज लीज दैट बी द बेस्ट ऑप्शन। ऐसा आप लोग 7 पॉइंट के लिए वो कर लो, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू, लेकिन मेरे को वो नहीं करवाने का, उसके लिए क्या दिमाग चाहिए, उसके लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, दैट इन एनी केस आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो नो। अभी तुम लोग क्या करने वाले हो, यही वाले कंक्लूजन्स देखते रहो दैट यू पर्सनली हैव रिटन योरसेल्फ, ओके, और इसी से बस मेरे को बता देना। कैल्सी अगर हाथ नहीं लगाओगे देन ओनली यू विल टेस्ट योर ब्रेन्स, ओके। तो कैल्सी अपने को नहीं चाहिए, यही वाले कंक्लूजन्स देखते रहो और हर जगह पर तुम लोग मेरे को कुछ ना कुछ नंबर, सॉरी कुछ ना कुछ ये लिख के दो, इज ए बेटर, इज बी बेटर, इज सी, इफ यू थिंक देर आर टू थिंग्स दैट आर बेटर यू कैन रिप्लाई दैट ऑल्सो। ओके, हमारे पास 6 मिनट हैं, ट्राई योर लक, ट्राई, मेक इट अ पॉइंट, यू ट्राई एवरी क्वेश्चन इन क्लास, दैट इज द ओनली वे टू बी गेटिंग द आंसर्स इन द एग्जाम, देर इज नो अदर वे। ये बनाओ एंड ट्राई टू डू द थिंग्स।
Listen, and I told you to try. You should have thought like this, sir. What we will do, we'll select the area, we'll try to compare two things at a time. Whatever is good, we'll keep that, whatever is bad, we'll throw it out. Whatever we have kept, that we'll compare with the third option and find out the best option. Okay, so winner out of first two will be compared with the third option, winner out of those two will automatically become best option. Okay, so fir waise try karte hain. To suni, 1 to 39,399, ये जो 40,000 वाला पॉइंट है ये इधर आ रहा है. ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस, इन दिस एरिया आई एम ट्राइंग टू कंपेयर ए एंड बी. ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर टॉकिंग ऑफ लेस देन 40,000. सो आउट ऑफ ए एंड बी विच वन इज बेटर यार, ए. तो ए और बी के अंदर से कौन जीत गया? ए जीत गया, तो बी तो बाहर चला गया. अभी बच गया सी. A and C are fighting a battle over here. Okay, so therefore, in this particular battle, you are talking of what area? Less than 40. Less than 40 means less than 70, no? Okay. So therefore, among A and C also, which one is better? A is better. So pata chal gaya, ultimately in this area, which is better? A is better. Obviously, at 40,000, it is either A or B. That's the indifference point. Again, next, this area. Now, either you can take 40,000 as your starting point, I have got no problem, or you can take 70,000, I have got no problem. Agar 40,000 se start karna hai toh, you will try to compare A and B first, kyunki 40,000 wala point is over here. If you want to start with 70, you will be comparing A and C first. Tumhara jo conclusion hai beta, wo toh wohi rehne wala hai, theek hai? Toh chalo pehle 40,000 se start kar lete hain. Out of A and B, we are talking of this area. This is more than 40. So more than 40, which one of them is better? B is better. So therefore, A to bar chala gaya, to bach gaya B. Lekin abhi B aur C ka comparison baki hai, that battle is over here. So therefore, I am still trying to talk of this damn area only. This area is obviously, bolo aage, less than 1,40,000. So which is better? B is better. So out of B and C, which one of them is best? B is the best. Okay, so yahan pe A aur B, 70,000, I'll just wait. I don't want to be doing that at this stage. Aage. 70 to 1,40,000, I want to be doing this. 70 ka battle is getting fought over here. This battle is between A and C, but I'm talking of more than 70. So more than 70, which is better? Yeah, C. So out of A and C, obviously I throw out in this case A. So what is left? C. Lekin C still has to fight a battle with whom? B. That battle is over here. So therefore, I'm still trying to talk of this area. This area is what here? Less than 1,40,000. So obviously, B or C ke andar se kaun sa achha hai? B achha hai. So therefore, B is ultimately the best. Sabko samajh mein aa raha hai? Okay, ye ho gaya tumhara ye wala cheez. Obviously, at 1,40,000, it is either B or C. That's your indifference point. Okay. Lastly, above 1,40,000. 1,40,000 wala point is over here. So I'm talking of greater than 1,40,000. So out of B and C, who is a winner? C is a winner. So C is still left with me. But C still has to fight a battle with whom? A. That A and C ka battle is over here right now. I'm talking of this area means I'm trying to talk of greater than 70. So C or A ke andar se kaun sa acha hai? C acha hai. So ultimately C is the best. Okay. Khatam ho gaya. Ek cheez bach gaya. 70,000 par, meko bolo kya likho?
अगर आप लोग 70,000 पर कॉस्ट निकालोगे, पक्की बात है ए और सी का कॉस्ट सेम आएगा 100%, बिकॉज दैट्स इन डिफरेंस पॉइंट. लेकिन 100% बात है कि बी का कॉस्ट सबसे कम आएगा. आई कैन टेल यू लॉजिक, आई कैन गिव यू अ पेट्रियोटिक आंसर ऑल्सो, दैट आई विल डू आफ्टर सम टाइम, ओके. बट वट एवर यू वॉन्ट टू बी डूइंग, आंसर यहां पर बी ही बेस्ट आएगा. एग्जाम्पल, अगर कोई चीप ट्रिक यूज करना है, आप लोग कॉस्ट निकाल लो. ए 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट, 58,000 फिक्स्ड कॉस्ट, 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस प्लस प्लस, हाउ मेनी कॉपीज आर वी टॉकिंग ऑफ? 70,000 एवरीवेयर, 70,000 इंटू इंटू इंटू. यहाँ पर बेटा वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 1.4. यहाँ पे कितना था? 0.7. यहाँ पे कितना था? 0.4. कैलसी के ऊपर अगर आंसर निकालोगे, पक्की बात है दिस आंसर एंड दिस आंसर विल बी सेम ओनली, बिकॉज दैट वॉज द इन डिफरेंस पॉइंट, ओके. बट ऑब्वियसली देर विल बी वन आंसर दैट विल बी फार लोअर देन दैट, एंड दैट विल बी नथिंग बट बी. सो इन केस यू ऑल वॉन्ट, यू ऑल कैन टेस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके. सो ऑल डन. आपको ऐसा चाहिए तो ऐसे कर लो. आई स्टिल कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ मैकेनिकल थिंग, ओके. एज अ टोल, अगर पेट्रियाटिक आंसर चाहिए तो ये जो है ये पाकिस्तान है, ये जो है भारत है, कश्मीर है, लड़ते रहो तुम लोग, ओके. ये भारत है बेटा, ये चाइना है, ये वो एरिया है जो सिक्किम के आगे है, ओके. तो लड़ते रहो हमेशा, ओके. लेकिन लास्ट थिंग बेटा, ये भारत है, आगे बोल. ये भी भारत है, आगे बोल. ये भी भारत ही हुआ ना यार, मतलब, ओके. इन एनी केस, अगर लॉजिकल आंसर चाहिए तो दैट लॉजिकल आंसर विल बी लाइक दिस. यू आर टॉकिंग ऑफ 70,000, राइट? ओके, सो 70,000 इज, यू आर ट्राइंग टू से ए और सी, सम पीपल हैव रिटन दैट आई थिंक, ओके. लेकिन जरा सोच लो, ए से अच्छा तो बी होगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 40, सो देयरफॉर ए गोज अवे, बी इज बेटर. अभी बी और सी के अंदर वो देख लो, लेस देन 1,40,000 होगा, सो विच इज बेटर? बी इज बेटर, सो देयरफॉर सी ऑल्सो गोज अवे. सो अंडर दिस पर्टिकुलर एरिया अल्टीमेटली विच इज बेटर यार? बी इज बेटर, ओके. सो देयरफॉर माई कंक्लूजन्स आर एक्चुअली नॉट फाइव, माई कंक्लूजन सॉरी आर एक्चुअली नॉट सेवन, माई कंक्लूजन्स आर फाइव. 1 to 39,399, विच इज बेटर? ए इज बेटर, एग्जैक्टली एट 40, ए और बी. 40,000, 1 to 139,999, it'll be always be exactly at 1,40,000, it'll be B or C, and more than 1,40,000, it will be always C. Now, अगर आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से कर लिया, I told you, part third will take 10 seconds. Let's spend only those 10 seconds. Read the question and just tell me the answer. I'm not even trying to read that also. तुम लोग part third पढ़ो, मेरे को फटाक से बस आंसर बोल दो. If the management expects to need 87,000 copies per year, which will be best for you? So obviously 87,000 बेटा किधर आ जाता है? इधर आ जाता है. Which is the best one? B is the best one. अभी IC ने क्या किया? उन लोगों ने 87,000 पर तीनों का कॉस्ट निकालना स्टार्ट किया. Which is the cheapest? That is the best. वो ही करने का था तो फिर मुझसे कंक्लूजन्स क्यों मांगे एक तो? ओके, तो कंक्लूजन्स एक बार मांग लिए, यू कैन ट्राई टू कंक्लूड फ्रॉम देयर ऑल्सो. नो यार, ओके. एक काम जरा करो, पार्ट टू के आगे लिख के रखो रेफर पेज नंबर. वहाँ पे पार्ट थ्री स्टिल वी हैव टू राइट, बट पार्ट टू आई हैव रिटन ओवर देयर इंक्लूडिंग ऑल माई एक्सप्लेनेशंस. रेफर पेज नंबर 23.2. अच्छा, उधर ऑल माई एक्सप्लेनेशंस आर देयर. सो बस वहां पे एक चीज जो नहीं है, आप लोग नीचे लिखो पार्ट सी, दैट आंसर इज ऑफ पार्ट बी. पार्ट सी यू ऑल राइट इन द टेक्स्ट बुक ओनली, 23.2, राइट डाउन. राइट डाउन, फॉर 87,000 कॉपीज, बेस्ड ऑन अबव कंक्लूजन्स, कॉमा, कॉपियर बी वुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल.
based on the conclusions above. Copier B would be most economical. Chali, leave one side for question number 23, please. That is almost at the same time, in fact, an easier one, because there are two options. So leave one side for that. Chal, suno. I've put 24 as my example, taki once I do 25, it is slightly easier for you. 24, you are reading that question. 20 seconds starts now. I am only counting, no stopwatch. Tell me the answer, whatever that question is. ₹1,50,000 and 5. 20 seconds बहुत ज़्यादा time था. You should have told me the answer by now. Answer बोल दो. 5 and 1,50,000. लेकिन तुम लोग शायद कभी complete answer नहीं देते हो. सामने कुछ और भी पूछा हुआ है. State your assumption. तुम लोगों ने assumption मारा. तुम लोगों ने नहीं बताया. क्या assumption मारा तुम लोगों ने? Sir, fixed cost is constant. तुम्हारे दिमाग में calculation शायद कुछ ऐसा हुआ. सर जितना फिक्स कॉस्ट 2,30,000 के अंदर है उतना फिक्स कॉस्ट 2 lakhs के अंदर भी है. सब ट्रैक करेगा तो आई बी ओनली लेफ्ट विद वेरिएबल कॉस्ट. सो फर्स्ट यू अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट. सेकेंड यू अज्यूम दैट सर जितना पर यूनिट कॉस्ट शुरू में है उतना ही सेकेंड वाले केस के अंदर भी है. ओके देन ओनली योर कैलकुलेशंस विल वर्क. ओके लेट्स राइट डाउन द अजम्पशंस. नो फर्स्ट लिखो जरा प्लीज अजम्पशंस. Right now, first fixed cost is constant. Second, variable cost per unit is constant. नेक्स्ट साइन पे वही लिखेंगे जो शायद कल के लेक्चर के अंदर भी लिखा था. लिखो ओनली इफ अबव अजम्पशंस आर ट्रू. अ चीप ट्रिक इज पॉसिबल. चलो अपना मेथड करो जो तुम लोगों ने यूज किया था. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स. So, 2,30,000 minus 2 lakhs divided by 16,000 minus 10,000 rupees 5 per unit. Substitute the fixed cost 1,50,000 aa jayega. Next sign pe likho or. Likho. Whether assumptions are true or not, comma, equations will always work. तो इक्वेशंस बना के भी तो सॉल्व कर सकते हैं. लिखो 2 lakhs इज इक्वल टू लेट फिक्स्ड कॉस्ट बी एक्स पर लेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी वाई. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा 2 lakhs इज इक्वल टू एक्स प्लस 10,000 वाई.
In the other case, it will be 2,30,000 is equal to x plus 16,000 y. So I think apna kaam ho gaya. 30,000 is equal to 6,000 y. Y is equal to rupees 5 per unit. अच्छा याद रखना दिस ट्रिक विल ऑलवेज बी वर्किंग. सपोज अगर क्वेश्चन के अंदर दिया रहता इधर फिक्स्ड कॉस्ट इज 20% मोर देन दिस, ओके दिस इज एक्स, यहाँ पर बेटा क्या आ जाता 1.2x. यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज 30% मोर देन दिस, तो यहाँ पे वाई आता, यहाँ पर बेटा क्या आ जाता 1.3y. तो याद रखना इफ अजम्पशंस आर नॉट ट्रू एट दैट पर्टिकुलर टाइम इक्वेशंस आर द ओनली थिंग दैट विल बी वर्किंग, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अजम्पशंस आर नॉट अबाउट टू बी ट्रू. दैट्स द ओनली रीजन आई डिड दिस एंटायर क्वेश्चन. ओके क्वेश्चन नंबर 25 पे पढ़िए, 24 वाज जस्ट लाइक ताकि 25 इज कंफर्टेबल. क्वेश्चन नंबर 25 A Limited makes and sells a single product. The company's trading results for the year 2018 are as follows. Sales hai 30 lakhs, material kuch nahi bola, obviously wo variable cost hai. Labor kuch nahi bola, wo variable cost hai. Overheads kuch nahi bola, to uska aage bolo. Do parts hona chahiye yaar, one part should be fixed, one part should be variable. Aage. प्रॉफिट्स उधर दिया हुआ है फॉर द ईयर 2019. एक सेकेंड, ये वाला डेटा कौन से साल का था 2018. फॉर 2019 फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड. फर्स्ट रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 10%, इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड बाय 50%, इन्फ्लेशन इन डायरेक्ट मटेरियल 8%, इन्फ्लेशन इन वेरिएबल ओवरहेड्स बाय 6%, रिडक्शन इन फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 25%. It is known that in 2017, overhead expenses total up to 8 lakhs. Ek minute yaar. Ye 2017 ka data hai. Correct? This is the data of 2017. Upar jo table tha, wo kiska tha? 2018. And they had given estimates for which year? 2019. Theek hai. In 2017, overhead expenses total up to 8 lakhs. Total overhead cost inflation for 2018 has been 5% more than 2017. अच्छा एक सेकेंड, जब वो लोगों ने पार्ट बी के ना ये लिखा ना टोटल ओवर हेड कॉस्ट इन्फ्लेशन, उसको जरा अंडरलाइन करो एक बार, टोटल ओवर हेड कॉस्ट इन्फ्लेशन को. इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बढ़ गए, बट वेन दे से टोटल ओवर हेड्स नो, दिस मीन्स दैट टू थिंग्स हैपेंड, फिक्स्ड ओवर हेड्स बढ़ गया, वेरिएबल ओवर हेड्स बढ़ गया. बट वेन दे से फिक्स्ड ओवर हेड्स बढ़ गया, फिक्स्ड ओवर हेड्स विल इंक्रीज इन लमसम. बट वेन दे से वेरिएबल ओवरहेड्स बढ़ गया, वेरिएबल ओवरहेड्स इज पर यूनिट कॉस्ट, तो उसके ऊपर एक एस्ट्रिक डालना जो अंडरलाइन किया है पेज पे नीचे थोड़ा सा जगह है, यू विल राइट बिलो दिस लाइन विल मीन दैट फिक्स्ड ओवरहेड्स इन लमसम हैज इंक्रीज्ड बाय 5%. But variable overheads per unit has increased by 5%. Again. C. Production and sales volume has been 25% higher in 2018 than in 2017. Okay, you are required to prepare a statement showing estimated trading results for 2019. Okay. Second, calculate break-even point for 2018 and 19. Fine. Third,
Comment on break-even point and profits for the year 2018 and 2019. ये जो part 3 है ना उसके आगे लिख के रखना 2 marks. जो part 3 है क्योंकि I'll do the comments based upon the marks as such. This question itself later on in standard costing will be doing for 16 marks. That time part 3 will be only comment. Okay. But that time my comments will be too much detail as compared to those 2 marks over here. Okay. So I'm giving you the reference of that. Part 3 ke aage aap log wo likh ke rakho. For full-fledged comments of 16 marks question. Comma, refer question number 46 on page 9.45. On page number 9.45. Just come over to that question, give a reference back to this question, please. चलो सुनो तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स फॉर 2019 कल हम लोगों ने ऐसा शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था इस चैप्टर का आपके पास एक साल का डेटा है दे टेल यू द चेंजेस ओके वी ट्राई टू सी दोज चेंजेस एंड ट्राई टू मेक नेक्स्ट ईयर का डेटा एग्जैक्टली वही वाला काम कर रहे हैं लिखिए जरा प्लीज पार्ट नंबर वन इनकम स्टेटमेंट फॉर 2019. So particulars 2018, 2019. We'll keep 18 with us ताकि the comparison is slightly faster. सबसे पहले सेल्स 2018 30 लाख चलो कल एक क्वेश्चन किया था सो इन एनी केस आई वांट टू बी डायरेक्टली डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग मेरे को बोलो सेल्स के अंदर एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है मेरे को बोलो विच एडजस्टमेंट और विच एडजस्टमेंट्स विल अफेक्ट सेल्स यू टेल मी एडजस्टमेंट नंबर 1 and 2 करेक्ट नो क्योंकि एक सेलिंग प्राइस कम हो गया दूसरा क्वांटिटी सोल्ड बढ़ गया सो नेक्स्ट लाइन पे लिख के रखिए 30 lakhs इंटू सेलिंग प्राइस हैज फॉलन डाउन बाय 10% सो मल्टीप्लाई बाय 90% क्वांटिटी सोल्ड हैज इंक्रीज बाय 50% सो मल्टीप्लाई बाय 150% $40,50,000 less variable cost. So first of all, direct material cost आ जाएगा. Direct material cost first year के अंदर 9 lakh rupees था. मेरे को बोलो मटेरियल विल गेट अफेक्टेड बाय वन थिंग टू थिंग्स के नथिंग मेरे को वो बोल दो दैट्स ओके फॉर मी वन थिंग टू थिंग्स के नथिंग चलो आई गिव यू ओनली टू ऑप्शन हाँ वन थिंग के टू थिंग्स विच एडजस्टमेंट नंबर्स 2 and 3 क्योंकि अगर क्वांटिटी सोल्ड बढ़ रहा है बेटा उससे पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस भी तो बढ़ेगा सो 9 lakhs into When they say material cost inflation आ गया मतलब material cost per unit 8% से बढ़ गया so into 150% क्योंकि you got to be producing more into 108% $14,58,000
डायरेक्ट लेबर 6 लाख. अभी सोच के बोलना, विल इट चेंज बिकॉज ऑफ वन थिंग, टू थिंग्स के नथिंग? विच वन थिंग? सेकेंड पॉइंट, नो क्वांटिटी सोल्ड, मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस भी तो बढ़ेगा. सो 6 लाख इंटू 150% 9 लाख. बस अभी पंगा स्टार्ट हो जाएगा. आई डोंट रिक्वायर ओवरहेड्स बॉस, व्हाट आई रिक्वायर इज वेरिएबल ओवरहेड्स. अच्छा, सो ध्यान से सुनो मेरी बात. आई डोंट नो दिस, बट सपोज आई गेट यू दिस पर्टिकुलर फिगर, द मोमेंट आई विल गेट यू दिस, यू टेल मी एटलीस्ट दैट मच वी ऑल कैन राइट एंड कीप. मेरे को बोलो वेरिएबल ओवरहेड्स विल चेंज बिकॉज ऑफ वन थिंग, टू थिंग्स और नथिंग. सोच के बोलना मेरे को. अभी तक अमाउंट नहीं मालूम, दैट्स ओके. जब पता चलेगा उसके बाद तो वो वाला काम तो करना पड़ेगा. वन थिंग, टू थिंग्स के नथिंग? टू थिंग्स ऑब्वियसली. क्वांटिटी सोल्ड मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. एंड प्राइस इन्फ्लेशन 106%. सो विल वेट फॉर दैट क्वेश्चन मार्क टू कम. ओके, सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल बी गिविंग यू कॉन्ट्रीब्यूशन. Less fixed cost, I am not aware of the fixed cost because overheads have to be broken up. Achha, you tell me, once suppose we get our fixed overheads, okay, jab apne ko ye wala cheez mil jayega, at that particular time, into, bolo, fixed cost will change because of one thing ke two things? One thing, there is only reduction fixed cost by 25%, no? So you can multiply by 75, but quantity will not affect it. Profit, chalo, at least I have for 1 year that I can write 6 lakhs. Chaliye, aapka ye wala kaam wo dekh lete hain. Ek baar zara part 2 bhi padh lo, taki isi ke saath tumhara kaam iska to ho jaye. Padhiye zara part 2. Calculate the break even point for 2018 and 19. Suno meri baat. Break even point, ब्रेक इवन सेल्स ही मिल सकता है क्योंकि पर यूनिट कोई डेटा नहीं है. ब्रेक इवन सेल्स इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. तो पहले पीवी रेशो निकाल लेंगे, जो अभी तक फ्रैंकली मैं निकाल ही नहीं सकता. बस लिख के रख लो, जब भी आएगा वी विल कीप ऑन कंप्यूटिंग. उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. जब भी आएगा तब देख लेंगे. पार्ट थर्ड कमेंट, वी हैव टू कमेंट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट्स. यू कैन लीव अप्रोक्सीमेटली हाफ साइड फॉर द कमेंट्स. हाफ साइड वो छोड़ दो. सुनो, उसके बाद लिखो वर्किंग नोट 1 ओवरहेड्स. सुनो मेरी बात. नाउ दैट इज वॉट एवर इज दिस क्वेश्चन पुट ओनली फॉर दिस रीजन. आपके पास 2018 का ओवरहेड्स है, चेक करो कितना है, 9 लाख. आपके पास 2017 का भी तो है, कितने रुपीज का है, 8 लाख. तो एक मिनट, 2 साल का ओवरहेड्स तो है 9 लाख और 8 लाख, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था. शायद अभी 2 साल नहीं था, 2 केसेस था, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो है जो आप लोगों ने अंडरलाइन किया. टोटल ओवरहेड कॉस्ट इन्फ्लेशन हैज बीन 5% मोर इन फॉर 2018 हैज बीन 5% मोर देन इन 2017. आप लोगों ने उसका मतलब भी लिखा है नीचे. तो माय अजम्पशंस आर नॉट ट्रू, क्योंकि दैट चीप ट्रिक दैट यू ऑल डिड ओनली विल बी वर्किंग वेन एवर योर अजम्पशंस आर ट्रू. नाउ माय अजम्पशंस आर नॉट ट्रू बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट हैज इंक्रीज्ड. ओके, नाउ देयर इज ओनली वन वे, मेक द इक्वेशन, गेट द आंसर. आप लोग रफ में जा रहे हो,
2017-2018 आप लोग इक्वेशंस बनाओ, मेरे को नहीं मालूम आप लोग इक्वेशंस कैसे बनाओगे, वो आपका लुकआउट है, मेरे को एंड के अंदर तुम लोगों से क्या चाहिए आई विल टेल यू दैट, तुमको जैसे सॉल्व करने का करो। आई वॉन्ट इसका ब्रेकअप 2018 के अंदर आपका ओवरहेड्स कितना था 9 लाख्स, मेरे को 9 लाख्स का अल्टीमेटली वो ब्रेकअप चाहिए, हाउ मच इज फिक्स्ड हाउ मच इज वेरिएबल। आई डिड द प्रीवियस क्वेश्चन ताकि दिस क्वेश्चन यू ऑल कैन ट्राई टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, ओके, मेरे को आंसर लाके दो तुम लोग।
एक्स और वाई करके लो, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी 100, कुछ ना कुछ वैसे करो तो आएगा आंसर। और तो मैं कुछ और भी इसे वो कर लूँगा, बट यू कैन डू लाइक दैट, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो मेरे को और टाइम नहीं देना, सुनो अभी तक आ जाना चाहिए था आंसर। लिखो, आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग लाइक दिस, इन एंड इफ यू हैव गॉट द सेम आंसर दैट इज ऑल ओके। तो लिखो, लेट फिक्स्ड कॉस्ट इन 2017 बी एक्स, अच्छा सुनो, आई कैन अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो टू बी वाई, देन यू अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी से 100, वैसे कर सकते हो, मेरे को चलो वो भी नहीं करने का। आई अज्यूम लेट टोटल वेरिएबल ओवर इट्स, लिखो इन 2018 सॉरी 2017 बी वाई, सो 2017 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लैक्स, आगे। अच्छा अब जरा देखो 2018 के अंदर वो वाला लाइन जो आप लोगों ने अंडरलाइन किया था, सर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया बाय 5%, सो एक्स विल बिकम व्हाट नाउ 1.05x, लिखो। सर वेरिएबल ओवरहेड्स बढ़ गया बाय 5%, एक सेकेंड, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट बढ़ाना बाय 5%, तो ये जो वाई है दिस वी ऑल अज्यूम्ड एज टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, दिस विल गेट अफेक्टेड बाय टू थिंग्स, नेम दोस टू थिंग्स, क्वांटिटी एंड वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, सो देयरफॉर वाई विल बिकम 105%, क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन क्वांटिटी भी तो बढ़ गया बाय कितना परसेंट, 25%, सो मल्टीप्लाई बाय 125%। अच्छा सुनो, लेकिन ये भी ना अभी मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सॉल्व कर रहा हूं, तो लिखो 2017, अच्छा जस्ट आई वांट टू बी कैंसलिंग ऑफ एट अ लेटर स्टेज 1.05 वाला, ये जो एक्स वाला टर्म है वो मेरे को कैंसिल करना है, तो आप लोग इस टर्म को 1.05 से मल्टीप्लाई करके अभी लिखो, तो दिस विल बिकम 1.05x प्लस 1.05y इज इक्वल टू 8,40,000, प्लस कैल्सिलो 1.05 इज इक्वल टू 9 लैक्स। सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करा, दिस पार्ट गेट्स कैंसल्ड, सो 0.2625
y इज इक्वल टू 60,000. सुनो, फ्रैंकली मेरे को एक्स और वाई के अंदर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं. ऑनेस्टली मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट ऑफ आर्स. तो मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए. एक्स और वाई का वैल्यू जो मर्जी हो, मेरे को क्या करने का है. ये मैं तुमको क्यों बोला, चलो पहले वाई निकाल लो. 60,000 डिवाइडेड बाई 0.2625. कैलसी के ऊपर जो आंसर आए वो रहने देना, कैलसी के ऊपर डिलीट मत करना. अच्छा, ये जो आंसर आया दैट रिप्रेजेंट, स्क्रीन पे जरा देखो, वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर विच ईयर बॉस 2007. मेरे को क्या करने का उससे, मेरे को तो वेरिएबल ओवरहेड्स चाहिए फॉर 2018. और ये वाला जो पार्ट था अल्टीमेटली वाज 1.3125. तो यहाँ पे लिख के रखो, देयरफॉर 1.3125 वाई इज इक्वल टू, तो जो कैलसी पर आया इनटू 1.3125 कर दो, तुम्हारा काम ही डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगा 3 लाख. अपने को क्या करने का है, वाई वगैरह ऑल दो थिंग्स नॉट इंटरेस्टेड. तो एक सेकेंड, 9 लाख के अंदर से ये कितना आ गया, 3 लाख. कैसे, बचा खुचा विल बी फिक्स्ड कॉस्ट नो. वो मेरे को क्या करने का है, दैट इज एक्स का वैल्यू वट एवर नॉट इंटरेस्टेड. सो डायरेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 6 लाख. चलिए, इन योर फर्स्ट स्टेटमेंट पुट योर वेरिएबल ओवरहेड्स एज 3 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड्स एज 6 लाख. कंप्लीट द स्टफ प्लीज. Complete part 1, also please complete part 2.
अच्छा सुनो, तुम्हारा आंसर्स, चलो ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया जो उन लोगों ने पार्ट टू के अंदर वो पूछा था। अभी मेरे को एक चीज जरा वो बोलो ना प्लीज, मेरे को बोलो तुम्हारा पिछले क्वेश्चन का चीप ट्रिक इस क्वेश्चन के ना क्यों नहीं चला, फटाक से तुम्हारे आंसर तो क्यों नहीं आए? अजम्पशंस वर नॉट ट्रू, ठीक है। मैं कुछ अपना चीज वो बोलता है, शायद एग्जाम के अंदर तुम लोग यूज नहीं करोगे, बट दैट्स ओके फॉर मी, इट इज योर माइंड विल स्टार्ट टू गेट ओपन। देखो आई कैन स्टिल यूज अ चीप ट्रिक बट विथ सम मॉडिफिकेशन, ध्यान से सुनना। देखो 9 lakhs इज टोटल ओवरहेड्स फॉर 2018, 2017 इट इज 8 lakhs, ओके। In this case, no, this is 2018, this is 2017, this is 2018. Abhi, in this case, no, बराबर से सुनना मैं तुमको क्या बोलता हूँ। देखो अभी सम बोलता है कि तुम्हारा ओवरहेड इन्फ्लेशन आ गया तो फिक्स्ड ओवरहेड्स बढ़ गया, वेरिएबल ओवरहेड्स बढ़ गया, दैट्स ओके। लेकिन एक कोइंसिडेंस हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी 5% से बढ़ गया, वेरिएबल ओवरहेड भी 5% से बढ़ गया। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी 5% से बढ़ा, वेरिएबल ओवरहेड भी 5% से बढ़ा, तो मैं ना इसको 5% से बढ़ा देता हूँ, तो ये जो 8,40,000 का आंसर आएगा ना, दिस इज नथिंग बट ओवरहेड्स ऑफ 2017 बट एट अ प्राइस लेवल, आगे कोई बोलेगा of 2018, okay, क्योंकि prices had increased, बस। The moment you compare this data and this data, every assumption is true only. जितना fixed cost इसके अंदर है, उतना ही इसके अंदर है, जितना variable overheads per unit इसके अंदर है, इसके अंदर है। अभी तुम लोग question solve कर लो, answer तुम्हारा आ जाएगा, okay? तो तुम्हारा cheat trick अभी वो ही apply कर रहा हूँ बस। Variable cost per unit is equal to क्या था बेटा वो पिछली बार? Change in total cost. आगे क्या था बेटा? चेंज इन यूनिट्स। अभी इसके अंदर तुम लोगों को दो ऑप्शन दे सकता हूँ, वट एवर यू थिंक इट्स ईजियर फॉर यू, यू कैन ट्राई टू कीप दैट थिंग इन माइंड। चेंज इन टोटल कॉस्ट 9 lakhs माइनस 8,40,000, तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स, ओके। फर्स्ट ऑप्शन 2017 के अंदर अगर 100 यूनिट बनाया था, 2018 के अंदर इन दैट केस प्रोडक्शन वॉज 25% मोर, सो देयरफॉर इट वॉज 125. Slightly better, I want you all to think this first. Although मैं इससे भी answer ले आएगा, that's all okay for me. But क्या है, you are bringing everything to a level of 2018. So slightly better, take 2018 as 100, okay? Although अगर ये भी करोगे तो भी answer आ ही जाएगा, that I'll tell you in just a while, okay? लेकिन अगर ऐसे करते हो तो 100 is 125, मतलब this 100 question mark, करो जरा कैलसी के ऊपर, कितना आ जाएगा? 80. तो बेटा चेंज इन यूनिट्स इज कितना? 100 माइनस 80 मतलब कितना? 20. बस माय जॉब इज ओवर, माय वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट इज कितना? 3000 पर यूनिट, 60,000 अपॉन 20 वो ही आ जाता है, करेक्ट। एंड 3000 पर यूनिट इनटू 2018 के अंदर कितना यूनिट्स है बेटा? 100, तो आंसर कितना आ गया? 3 lakhs, बैलेंस विल बिकम योर फिक्स्ड कॉस्ट। सबको समझ में आ गया? मेरे को बस एक चीज जरा बोल दो, मैं इधर 8,40,000 किस लॉजिक से लिखा बोलो? वो चीज क्यों चल गया? क्योंकि ओवरऑल 5% ही था, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, ओके। अगर किसी को ये लास्ट वाला चीज इतना अच्छा नहीं लगा तो जाने दो, ऐसे भी तो कर सकते हो सर। चेंज इन क्वांटिटी 100 और 125 ही रखो तो रखो, फिर 125 माइनस 100 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, जरा कैलसी लो, 2400 आएगा। बट याद रखना दिस इज 2400 पर यूनिट, तुमको 2018 का आंसर चाहिए, सो मल्टीप्लाई बाय कितना यूनिट्स यार? 125, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 lakhs, बैलेंस पोर्शन बिकम फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। तो आप लोग विदाउट इक्वेशन भी कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हारा माइंड ये वाला फिगर लेकर आएगा तो ही दैट पर्टिकुलर थिंग इज पॉसिबल। इन एनी केस जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड, वी ऑल हैव डन द क्वेश्चन, दैट्स मोर देन इनफ, ओके। सुनो पार्ट सी पे आइए, पार्ट थर्ड पे आइए, कमेंट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट्स फॉर 2018 एंड 19। चलो अभी एक कमेंट तो तुम्हारे दिमाग से निकलना ही चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। सर डेटा दोनों सालों का तो बिल्कुल अलग था सर, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट कैसे सेम आ गया?
तो मेरे को कुछ बताओ, मेरे को मैथमेटिक्स सिखाओ फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ एंड ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट टाइम, मेरे को जरा बोलो ब्रेक इवन पॉइंट क्यों सेम आया, कुछ मैथमेटिक्स तो सिखाओ, कुछ ऐसा बोलना तुमको भी समझ में आया और मेरे को भी समझ में आया, बस और कुछ नहीं है, बोलो क्या हो गया, एक लाइन बोल दो मेरे को समझ में आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में क्या है, बस क्लासरूम के अंदर बोला करो, आगे जाके दिस पेपर विल ओनली बिकम अ डिस्कशन पेपर, तभी आर्गुमेंट्स अपना बहुत आएगा, बात मारा मारी खून खराबे तक भी शायद वो पहुंच जाए कोई क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए बोला करो अच्छा रहेगा, बोलो क्या हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट सेम आया। सुनो, योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव फॉलन डाउन बाई कितना परसेंट, 25%। कॉमन सेंस है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल फॉल डाउन बाई 25%, ब्रेक इवन पॉइंट इन एंड विल बी रिमेनिंग सेम ओनली। ओके, क्या है कि 2 मार्क्स का कमेंट था, 1 मार्क फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, 1 मार्क फॉर प्रॉफिट, सो देयरफॉर यू ऑल राइट डाउन, लिखो बस एक ही लाइन वो दे रहा हूँ, लिखो एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशियो बोथ हैव फॉलन डाउन बाई 25%। कॉमा ब्रेक इवन पॉइंट हैज रिमेन सेम। नेक्स्ट लाइन पे लिखो प्रॉफिट्स, सुनो प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज बाय 1,65,000, जो मैंने आपको दो क्वेश्चंस का सॉरी एक क्वेश्चन का जो रेफरेंस दिया वहां पे आई विल एग्जैक्टली टेल यू नंबर बाय नंबर कि प्रॉफिट 1,65,000 से क्यों बढ़ा, सेलिंग प्राइस की वजह से क्या हो गया, मटेरियल की वजह से क्या हो गया, नंबर बाय नंबर आई विल ट्राई टू टैली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन अभी 1 मार्क के लिए मैं वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, आई एम ओनली गोइंग टू बी सेइंग व्हाट वर द पॉजिटिव फैक्टर्स, व्हाट वर द नेगेटिव फैक्टर्स विदाउट क्वांटिफिकेशन। ओके, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसकी वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बढ़ा इस फैक्टर की वजह से, कम हुआ इस फैक्टर की वजह से। तो वहाँ पे जरा देख लो 5 फैक्टर्स हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मेरे को बोलो विच फैक्टर्स विच एडजस्टमेंट नंबर्स वुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, देर आर टू ऑफ देम, जस्ट टेल मी दोज एडजस्टमेंट नंबर्स। एक एडजस्टमेंट नंबर 2 है क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एक और बोलो 5 है फिक्स कॉस्ट कम होगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एंड देर आर 3 नेगेटिव फैक्टर्स, एक सेलिंग प्राइस कम हो गया, एक मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया और एक वेरिएबल ओवरहेड जो है वो बढ़ गया, बट ओवरऑल पॉजिटिव्स मस्ट बी मोर देन नेगेटिव्स एंड दैट इज वाई ओवरऑल प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड। ओके, लिखे जरा प्लीज कमेंट्स लिखो, तो प्रॉफिट्स और अभी लिखना स्टार्ट करो, राइट ऑन इंक्रीजिंग क्वांटिटी सोल्ड एंड रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। Comma, whereas reduction in selling price as well as inflation in material and variable overheads contributed to inflation material and variable overheads contributed to decrease in profits। full stop, overall
पॉजिटिव फैक्टर्स मस्ट हैव मेड. A greater impact as compared to negative factors. And therefore, overall profits increased. From 6 lakhs to 7,65,000. Chalo, we are done for the day. We'll meet up next time.